हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्स एंड मोशन, और आज हम लेके आए हैं फोर्स एंड मोशन का पार्ट सेकंड। पिछले क्लास में हमने फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो हमने पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो, जैसे आपको बोला जाए कि 1 किलोमीटर आपको चलना है और इसमें आपको लेनी है 3 आवर्स या फिर 3 मिनट्स, जितना भी है। तो यहाँ क्या है, फिक्स्ड इंटरवल, टाइम इंटरवल हो और फिक्स्ड डिस्टेंस हो, तो वहाँ जो मोशन होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आगे दे रखा है, जैसे एग्जांपल, वी आर ट्रैवलिंग इन अ कार एंड वी हैव अ वॉच बाय विच वी कैन मेजर द टाइम अप टू एक्यूरेसी ऑफ सेकंड्स। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कार की स्पीड को किससे मेजर कर सकते हैं? हम वॉच, जैसे हमने वॉच पहन रखी है तो उसमें क्या होगा, सेकंड्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, तो हम सेकंड या मिनट के हिसाब से अपनी स्पीड को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने कितने टाइम में किस स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बाय कंसिडरिंग एनी किलोमीटर स्टोन एज ओरिजिन, वी कैन मेजर टाइम ऑफ ईच पासिंग किलोमीटर स्टोन बाय वॉच। इसका मतलब है, जैसे हम कोई कार ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मतलब अपनी पोजीशन से, हमने जो हमारी पहले पोजीशन थी उससे हमने स्टार्ट किया, और 2 सेकंड बाद हमने 4 मीटर कवर कर ली डिस्टेंस। तो अगले 2 सेकंड बाद भी हम 4 मीटर ही डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करना ही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे इसमें देखो, इसने 0 मीटर से स्टार्ट किया, 2 सेकंड बाद 4 मीटर पर आ गया, फिर 2 सेकंड बाद 8 मीटर पे, और फिर 2 सेकंड बाद 12 मीटर पे आ गया। तो डिफरेंस कितने कितने के आ रहा है, 2 सेकंड में वो 4 मीटर को कवर कर रहा है। इफ़ वी ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम बनाएं या ड्रॉ करें ग्राफ पर, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ वॉच, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन एटसेट्रा। इसका मतलब है, जैसे फैन चलता है तो फैन कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा वो उसका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे अर्थ रोटेट होती है तो उसका भी एक फिक्स टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो फिक्स्ड अगर टाइम हो और फिक्स डिस्टेंस हो तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। इसका मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब टाइम इंटरवल तो सेम हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस हो। जैसे इफ़ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, जब हम कोई एक बॉल को ऊंची बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिराते हैं तो हम नोटिस करते हैं दैट इट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे 5 मीटर में फर्स्ट सेकंड में, मतलब उसने 5 मीटर कवर किया, सेकंड में उसने 15 मीटर्स कवर किए, और ऐसे ही कंटिन्यू होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर होगी। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, टाइम भी सेम था और डिस्टेंस भी सेम थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है और टाइम इंटरवल सेम रहता है।
Thus, a freely falling ball will cover smaller distance in the first second and larger distance in the latter 1 second interval. इसका मतलब है पहले सेकंड में उसने कम डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकंड में उसने थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की. Therefore, we can say that the motion of a freely falling body is an example of a non-uniform motion. इसलिए ये एक non-uniform motion का example हो जाएगा. The distance time graph of the non-uniform motion is curved line. अगर हम distance time graph बनाएं non-uniform motion के लिए तो एक curved line आएगी, जबकि uniform motion के लिए एक straight line आ रही थी. Non-uniform motion is also known as accelerated motion, और इसको accelerated motion भी कहते हैं. जब हम non-uniform motion के लिए time और distance के बीच में graph बनाएंगे तो इस तरह curve line आएगी, क्योंकि time तो same रहेगा लेकिन distance unequal रहती है, इसलिए यहाँ पर curve line आती है. यहाँ पर आप easily uniform motion और non-uniform में difference देख सकते हो. 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइप इंटरवल. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, मोशन ऑफ अ क्लॉक. जैसे है क्लॉक है, घड़ी है, उसमें जो मिनट आवर, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, इन सब के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी. किसके साथ, टाइम इंटरवल के साथ. टाइम भी सेम रहेगा कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ मोशन करती है अर्थ, उसका टाइम भी सेम रहता है और उसकी डिस्टेंस भी सेम रहती है. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल. टाइम तो सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग आती है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे पहले 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर चला और अगले 10 मीटर्स में क्राउड हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, तो अगले 10 मिनट्स में वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही चल पाया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन यानी त्वरण. द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी में पर सेकेंड चेंजेस होना एक्सेलरेशन कहलाता है. या तो आप जैसे कार चला रहे हो तो कार की स्पीड आपने तेज कर दी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल ए, और इसको छोटे या स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है. दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अगर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यू एंड आफ्टर टाइम टी इट बिकम्स वी, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी. अगर कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी यू हो, लेकिन टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी हो जाती है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है और उसमें कितना टाइम लिया गया है उसका डिवाइड. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल. ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा. इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन अपोजिट टू इट. यहाँ ध्यान दो, जब एक्सेलरेशन होता है और चेंज होता है वेलोसिटी में तो क्या क्या चेंज होगा, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों का साथ में चेंज हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना. यहाँ देखो, अगर कोई अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या होगा, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप. यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा क्योंकि अपने
उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। और एक्सेलरेशन कब कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है या तो स्पीड अप हो जाए या फिर स्पीड डाउन हो जाए या फिर डायरेक्शन में चेंज हो जाए या फिर दोनों साथ में हो। तो यहाँ देखो, फर्स्ट में स्पीडिंग अप हो रहा है, सेकेंड में आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन। ये क्या है? स्लोइंग डाउन हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। नेक्स्ट है आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पर एक बी है जो अपनी जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन में चेंज करके, तो ये भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन अगर स्पीड में चेंजेस है तो वो एक्सेलरेशन होगा। या फिर फिक्स टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी स्पीड अप हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो ये सब किस में आते हैं? एक्सेलरेशन में आते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसको डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। इफ़ एनी बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी ज़ीरो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब टाइम भी सेम है, स्पीड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपस में इक्वल हो जाएगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बाई डिवाइडिंग द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विथ यूनिट ऑफ टाइम। वेलोसिटी की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी की यूनिट तो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी होगी यूनिट? एक्सेलरेशन की। अब नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ ऑन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी और अनदर क्वांटिटीज सच एज टाइम। हम टाइम और डिस्टेंस में या वेलोसिटी में कैसे कैसे मोशन होता है उसको ग्राफिकल तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इन टाइम टी कवर्स अ डिस्टेंस एस, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज फाइंड फ्रॉम एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी। जो हमने अभी पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू वी अपॉन टाइम, या फिर एस को आप ले सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। Thus, in velocity time graph, area between curve and OX axis represent the distance covered by the object in time t. तो हमने time और velocity के बीच में graph बना रखा है। Velocity क्या है? V, time क्या है? T, और कितने distance cover कर रहा है उसको हम denote करेंगे S से। तो S is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे? V multiply T, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे, जितने वेलोसिटी है उसके हिसाब से जितना टाइम लिया गया है वो क्या बन रहा है? इसको हमने शेडेड एरिया से कवर कर रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी क्या हो जाएगा? वी मल्टीप्लाई टी, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी के बीच में ले रहे हैं तो वी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो यहाँ देखो, एक तो हमारे पास बनेगा रेक्टेंगल और एक बनेगा ट्रायंगल, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। इनिशियल वेलोसिटी u होगी यहाँ पे, टाइम t होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगी, डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है वो, तो हमें यहाँ पर एरिया लेना पड़ेगा रेक्टेंगल का और ट्रायंगल, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से? एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ जाएगा हमारा टी और यू के बीच में है, तो ए ओ मल्टीप्लाई ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? हाफ ए डी मल्टीप्लाई बी डी। ओ सी एंड ए डी आर पैरेलल विच इज इक्वल टू यू।
तो सेकंड हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. विद दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो इससे हम निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस निकालेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इन दिस ग्राफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू विच बिकम्स वी आफ्टर टाइम टी. तो अब यहाँ से जब हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, तो डिस्टेंस क्या आएगी, रेक्टेंगल का एरिया तो आ जाएगा यू टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ टी वी माइनस यू. तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी. तो यहाँ फॉर्मूले से हम ले लेंगे वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए. देन हम इसको पुट करेंगे हमारे डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में, क्या करेंगे हम वी की जगह u प्लस ए टी पुट करेंगे, तो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी. अब यहाँ पे हमने v की जगह क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी माइनस u. अब u से u कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों के जो चार्जेस है वो अलग अलग हैं. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई मोशन की. देन हम क्या करेंगे, जो हमने t की वैल्यू निकाली थी v माइनस यू अपॉन ए, वो इसमें पुट कर देंगे. तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए. तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए. यहाँ हमने जो स्क्वायर था उसको ओपन कर लिया था, इसलिए हमारी ये इक्वेशन बनी. अब क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनती है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो लास्ट में क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये आ गई हमारी तीसरी इक्वेशन मोशन की. तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो अब हमारे पास है फोर्स. फोर्स इज अ push or pull which either change or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. Force क्या होता है, ये push और pull की process होती है जिसमें rest से आप inertia में जा सकते हो, मतलब rest से motion में जा सकते हो या motion से rest में आ सकते हो, ठीक है. The physical quantity that makes effort to change the position of rest or state of motion is called force. ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फिजिकल क्वांटिटी लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जाती है, या तो वो रेस्ट में आ जाती है या फिर वो मोशन में आ जाती है. तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोर्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन वाइल अप्लाइंग द फोर्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुश द वॉल विथ आवर हैंड्स देन वॉल रिमेंस एट रेस्ट. कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो. जैसे आप दीवार को धक्का दोगे तो क्या दीवार हिलेगी, नहीं हिलेगी. तो यहाँ कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि मोशन में फोर्स के साथ चेंज हो. तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है. फोर्स सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है. फोर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट हो. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. तो फोर्स के अलग अलग टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रेविटी फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ड्रैग फोर्स, बर्न्ड फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच. जब हम टच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को और इन दोनों के बीच में क्या हो, इंट्रैक्शन हो. जैसे अप्लाइड फोर्स, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के बीच में जो फोर्स लगता है जब हम उसको पुश और पुल करते हैं तो वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स.
तो ये भी क्या हो रहा है, टच या कांटेक्ट करने से ही हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जैसे ड्रैग फोर्स, ड्रैगिंग करना, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये किस में आते हैं, कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, अट्रैक्ट और रिपेल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अट्रैक्ट करना या रिपेल करना मतलब अपनी तरफ खींचना या दूसरी तरफ उसको रिपेल करना, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसमें क्या क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स रहती है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स के बीच लगता है, एन और एस पोर के बीच में। तो ये दोनों टाइप हो गए फोर्स के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वी हैव टू कंसिडर थ्री पॉइंट्स रिगार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक्शन पॉइंट ऑफ द फोर्स और दैट पॉइंट एट विच फोर्स इज एक्टिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्टिंग। डज फोर्स इज अ वैक्टर क्वान्टिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि कौन से डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, और इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनके तीनों लॉ पढ़ेंगे और आगे की जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।